हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ सापूतारा, और सापूतारा मैं आई हूँ अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में किस में आई हूँ, तो ये पीछे जो बस खड़ी है इसमें आई हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर और भी टूर मेंबर्स है। तो और मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जस्ट अभी मैं आई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे अभी स्टे करना है। ये टेंट सिटी है, तो यहाँ पर आज मैं स्टे करने वाली हूँ टोटल 3 डेज़ के लिए, 3 डेज़ 2 नाइट्स के लिए। और यहाँ पर क्या क्या घूमेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कितना हम यहाँ पर मतलब कितने हिल स्टेशंस है, क्या है, वो हर एक जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और सापूतारा व्लॉग को एंजॉय करना एंड तक, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। और इस मॉनसून सीज़न में सापूतारा आना आप भी मत भूलना। तो अभी आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और सापूतारा को एंजॉय करते हैं। तो ये यहाँ की पार्किंग है टेंट सिटी की। यहाँ पर अभी इतनी सारी भीड़ हो चुकी है, और अभी ये सुबह सुबह का नज़ारा है। और ये जो टेंट सिटी है, ये मालेगांव गांव के नज़दीक है, मतलब थोड़ा ही 5-10 मिनट ही यहाँ पर चलना है, और बस टेंट सिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो टेंट सिटी कैसी है अंदर से मैं दिखा देती हूँ। तो ये है यहाँ की टेंट सिटी। और अभी यहाँ पर आगे क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, तो ये आगे, इसलिए इस वीडियो को देखना, आगे कंटिन्यू करना, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं आगे। तो इस टेंट सिटी में 2 टाइप के टेंट है। एक टेंट मैं आपको बताती हूँ, जो ग्रुप होता है उनके लिए ये टेंट है। तो जितने भी लोग ग्रुप में आते हैं उनके लिए ये वाला टेंट है। और बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। और एक कपल के लिए होता है, मैं वो आपको दिखाती हूँ कि कपल के लिए कैसा टेंट है। तो वो टेंट थोड़ा आगे जाके है, मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ। तो जो अभी मैंने टेंट दिखाया था, वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, मैंने दिखाया था आपको कि वहाँ पर उस साइड ग्रुप टेंट है और यहाँ पर कपल टेंट है। ये कपल टेंट कुछ ऐसे है। अंदर से कुछ ऐसा है। तो ये कपल टेंट है। और ये आगे की तरफ जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये पूरे ग्रुप टेंट है। तो आज થી લઈને 30મી આપણે અમદાવાદ પર જ જઈએ ત્યાં સુધી તમામ જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ છે એના વિશે સર આપણને માહિતી આપશે। હું ગોપાલ પાટડિયા અહીંયા મેનેજર છું અને અભણ છું અને બધાને ડુંગરા ચડાવવાનું કામ કરું છું, આ મારું કામ છે। આપણે છે ને સવારથી શેડ્યુલ કરીએ તો અત્યારે આપણે એક્ટિવિટી હાઈરોપ એક્ટિવિટી કરવા જવાની છે ઉપર। હાઈરોપ એક્ટિવિટી કર્યા પછી આપણે 12 વાગે રિટર્ન થશું। लंच करीने 3:30 वाग्या सुधी तमारे रेस छे, एटले अत्यारे जो कोईने नहावानुं ने फ्रेश थवानुं बाकी होय तो बपोर आवीने करजो, जेथी करीने आपणे टाइम टू टाइम त्यांथी आवी जाय। ओमे जंगलमां आवीने एटले आपणे नहावानुं बंद करी देवानुं 3 दिवस। तो अभी यहाँ से हम फर्स्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और फर्स्ट एक्टिविटी होने वाली है यहाँ पर हाई रोप एक्टिविटी। तो देखते हैं कि ये हाई रोप एक्टिविटी कैसी होती है। तो चलते हैं, और हमें जाना है आगे की तरफ, थोड़ा यहाँ से जाना है उस तरफ से आगे। अभी सापूतारा में आते हैं तो ट्रैकिंग करना मस्ट है, क्योंकि ट्रैकिंग यहाँ पर, ट्रैकिंग के अलावा और कुछ है नहीं।
किसी भी पॉइंट पे हमें जाना है यहाँ पे सापुतारा में, तो हमें ट्रैकिंग करके ही जाना है। तो जैसे अभी हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, अभी एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा छोटू सा ट्रैक करना पड़ेगा। तो जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो कहीं पर भी, तो आपको हमेशा इतना यह ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स शूज पहनना ही है, जैसे अभी मैंने पहने हुए। केरबिनर छे, આપણે ગુજરાતી ભાષામાં હૂક કે પાછળથી જે બોલાય આ છે કેરબિનર, સ્ક્રુ કેરબિનર, કે જે આ તમે ફેરવશો એટલે લોક થઈ જશે આખું। તો યહાં પર જો યે હાઈ રોપ એક્ટિવિટી હે વો કુછ ઇસ તરહ સે હે, થોડા નજદીક સે મેં આપકો દિખા દેતી હું। तो ये जो हाई रोप एक्टिविटी है, ये मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है वो बहुत ही बड़ा है। और इस साइड यहाँ पर हमें लंच करने के बाद हम ट्रैकिंग करने जाएंगे उस साइड, क्योंकि उस साइड है सनसेट पॉइंट और उस ऊपर ही मार्केट भी है। तो वहाँ पर हम जाएंगे लंच करके, तो अभी ये एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद हम लंच करेंगे, लंच करने के बाद सनसेट पॉइंट जाएंगे और फिर मार्केट। और यहाँ पर खाना खाने बैठने के लिए इतना बड़ा हॉल है, ये हॉल बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं। दोपहर की चाय पीने के बाद अभी हमने सनसेट पॉइंट जाने के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, और अभी बारिश भी बहुत हो रही है इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया है। और अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, और ये आप रास्ता देखिए कैसा हो चुका है बारिश की वजह से। तो अभी रास्ता है यहाँ पर पूरा स्लिपरी हो गया है, क्योंकि बारिश की वजह से ये पूरी मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो चुकी है, तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि स्लिप हो रहे पैर। और यहाँ पर एक छोटा सा झरना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर बादल सब नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने एक्टिविटी की थी दोपहर में, हाई रोप एक्टिविटी। और ये देखो क्या हाल हो चुका है, और यहाँ पर साथ में गाइड है जो बोल रहे कि बिना किसी सहारे के चलो, एक दूसरे का हाथ मत पकड़ो, क्योंकि एक जाएगा तो दूसरे को भी लेके जाएगा। और अभी यहाँ पर रास्ता देखिए, सापुतारा को हम मॉनसून ट्रैकिंग कहते हैं, मॉनसून नेचर कैंप कहते हैं, पर आज कहीं ना कहीं वो चरितार्थ हुआ है, क्योंकि बारिश हो रही है, पर हमारे कैंपर्स के हौसले बहुत ही बुलंद हैं। किसी ने भी कैंप साइट पर रुकना किसी को भी मंजूर नहीं था, सब निकले हैं। गाढ़ जंगल के बीच से हमारा कारवा आगे चल रहा है, लगता है आधे घंटे में हम
टॉप पे पहुंचेंगे, तो उसके बाद सह्याद्री की सापुतारा की जो वादियां है उसका लुप्त उठाएंगे। और यहाँ पर आप रास्ता देख सकते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे कठिनाइयां भी बढ़ रही है, और मैं तो अभी से थक गई। बारिश हो रही तो कीचड़ में पैर चिपक रहे हैं। और ये नजारा देखिए आप यहाँ पर, मजा आ गया। बारिश भी हो रही है, ट्रैकिंग भी हो रही है। तो ये सारा भी यहाँ पर हमारे टूर में है। मस्त बारिश में ट्रैकिंग हो रही है, हर कोई यहाँ पर एंजॉय कर रहा है बारिश के साथ ट्रैकिंग भी। मजा आ रही है, बहुत बहुत मजा आ रही है ट्रैकिंग में बहुत मजा आ रही है। और अभी हम जैसे जा रहे हैं, ये पूरे जंगल में से हम जा रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ाई जो कर रहे हैं, जो ट्रैकिंग हम कर रहे हैं पूरे जंगल में से हो रही है। और ये मेरी हालत देखिए आप, थक चुके हैं। और ये बच्चा छोटा, ये भी अभी ट्रैकिंग कर रहा है। और ये हमारे साथी है जो हमारे टीम में है। साथी फुल एंजॉय कर रहा है बारिश में। मोटा भी भीग गया। चलो कैप्टन, बड़े भाई के पास जाते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड ये लोग हैं। मेरे को तो थोड़ा बहुत ट्रैकिंग कर लिया है और यहीं पे अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लिया है, जिनका रेस्ट हो चुका है वो आगे निकल रहे अभी, और हम जैसे अभी यहाँ पर अभी रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए नज़ारा, और ये सबको हौसला दिलाने के लिए बस ऐसा कहा जा रहा है, बस आ गया सनसेट पॉइंट आ गया। अब ये बॉल आ गई है यहाँ पर, पता नहीं है सच में सनसेट पॉइंट आ गया है या फिर और भी हमें आगे जाना है। देखो अभी भी बोल रहे हैं बस थोड़ा ही बचा है, हर कोई यही पूछ रहा है आ गया, और जवाब में बस ये मिल रहा है बस थोड़ा ही रहा है। शायद फाइनली हम सनसेट पॉइंट पर आ चुके हैं। हालत सच में बहुत खराब हो चुकी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं अभी यहाँ पर। लोग यहाँ पर गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं अपनी अपनी, और हम यहाँ पर ट्रैकिंग करके आए हैं। तो अभी जिस पॉइंट पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये सापुतारा हिल स्टेशन है। ये जो पूरा एरिया है ये सापुतारा हिल स्टेशन है, और मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। इस साइड अगर हम जाएंगे, ये वाले साइड पर, तो यहाँ पर सनसेट पॉइंट है आगे 1 किलोमीटर पर, और इस साइड है मार्केट, सापुतारा मार्केट। अभी यहाँ पे हम चलेंगे, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है कि यहाँ पर आगे ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है, तो फिर यहाँ पर आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो अभी कंफर्म नहीं है,
तो हम थोड़ा आगे चलेंगे, चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम सनसेट पॉइंट की तरफ जा सकते हैं या नहीं। इफ नहीं जा सकते तो अपना बैड लक, फिर डायरेक्ट हम इस साइड मार्केट में चले आएंगे। तो देखते हैं इस साइड हम जाके पहले कि हम सनसेट पॉइंट जा सकते कि नहीं। तो चलते सनसेट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ भी एक सापूतारा सनसेट पॉइंट। तो ये है यहाँ पे लिखा हुआ सापूतारा सनसेट पॉइंट, मतलब हमें इस तरफ जाना है। यहाँ पे दो रोड है तो यहाँ पर इस तरफ एरो किया, तो मतलब हमें इस तरफ जाना है। और जैसे मैंने बताया था कि इस मेरे पीछे की साइड, अभी मैं ऐसे चल रही हूँ तो मेरे पीछे की साइड मतलब इस साइड मार्केट है, तो हम सनसेट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे टूर मेंबर्स जो फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी आपको कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, तो शायद सनसेट पॉइंट अभी फिलहाल बंद किया हुआ है, तो यहाँ पर इन लोगों ने ये बंद करके रखा हुआ है। लिखा है कि ऊपर काम चालू हुआ थी, सनसेट पॉइंट बंद है, तेथी ऊपर जवानी मनाई छे, मतलब यहाँ पर ऊपर काम चल रहा है इसलिए सनसेट पॉइंट अभी बंद है, ऊपर जाने की मनाही है। तो ये हमारा बैड लक था, सॉरी गाइज, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैं मुझे खुद यहाँ पर जाना था, देखना था, एंजॉय करना था, मज़ा लेना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले सकते मज़ा सनसेट पॉइंट का। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम करेंगे ट्रिप को, तब यहाँ पर हम आएंगे। और अभी जैसे बोला था कि यहाँ पर अगर बंद होगा तो हम चलेंगे मार्केट की साइड, तो अभी चलते हैं हम सापूतारा मार्केट की तरफ। और सभी यहाँ पर आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर आगे बंद है। ये सारे लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये लोग भी यहाँ से अभी फिर से पीछे रिवर्स जाएंगे जैसे हम अभी जा रहे हैं। तो अभी सनसेट पॉइंट तो हम नहीं जा सके, तो अभी यहाँ पर हम मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट जाने के लिए यहाँ पर इस साइड से रास्ता है, और ये सामने की तरफ फाउंटेन है, सर्कल है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ए रोप पे मजो अपने करा के थी ए काले चले आए। और हमें मार्केट जाने के लिए इस तरफ जाना है, तो हम इस तरफ जाते हैं। तो अभी यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको ये। तो ये है यहाँ का सापूतारा का मार्केट, यहाँ पर हर एक चीज मिल जाएगी। इस साइड भी है अंदर, यहाँ पे अगर आपको गॉगल्स लेने तो वो भी है। यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा जो मैंने देखा ना, अभी यहाँ पे मोस्टली ठेले जो लगे हैं वो मक्का के लगे हुए हैं, कॉर्न। और पहाड़ पर आते हैं, हिल स्टेशन है कोई, तो मतलब पहाड़ी मैगी तो बनती ही है, तो यहाँ पर ये पहाड़ी मैगी भी है। और इस साइड है सापूतारा संग्रहालय, यहाँ पे कुछ कुछ ठेले अभी फिलहाल बंद है। देखो उस साइड भी मैगी मिल रही है, पहाड़ पर आओ और मैगी ना हो ऐसा बन ही नहीं सकता है।
और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट कॉर्नर, जेली कॉर्नर, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चॉकलेट की दुकान है ये। इतने अलग अलग टाइप्स के चॉकलेट यहाँ पर, हर एक टाइप के चॉकलेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये कुछ नया दिख रहा है, ये जेली है। यहाँ पे पर्स भी है। फिर इस साइड रेस्टोरेंट्स है, पूरा उस साइड रेस्टोरेंट्स है। सापुतारा में मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पर जेली की जो चॉकलेट आती है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर मोस्टली जेली चॉकलेट आपको मिलेगी। तो यहाँ से अभी मैं देखती हूँ, खरीदती हूँ, प्राइस क्या है वो देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैगी मैगी मैगी, हर जगह मैगी है। ये वो जो सापुतारा संग्रहालय जो था, मतलब सापुतारा म्यूजियम, उसका सेकेंड गेट। और अंदर के साइड आते आते यहाँ पर एक मुझे फिश हाउस एक्वेरियम दिखा है, इसे गुजराती में माछली घर कहते हैं। और इसकी टिकट सिर्फ 10 रुपीज़ पर पर्सन है। और इस साइड है सापुतारा म्यूजियम। और ये पूरा मार्केट इस साइड अंदर भी है। और यहाँ पे मोस्टली चॉकलेट्स की ही शॉप्स है। और ये किचन्स, तो अभी यहाँ पे हमारा मार्केट घूम के हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं रिटर्न। ट्रैकिंग करके हम ऊपर आए थे हिल स्टेशन पर, और हम अनफॉर्चुनेटली सनसेट पॉइंट नहीं देख सके। लेकिन उसके बाद हमने मार्केट देखा अभी, जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न, लेकिन रिटर्न हम जाएंगे बस में, क्योंकि हमारे पार्किंग में यहाँ पर बस आ चुकी है। तो हम बस में जाएंगे, और बस हमारी यहाँ ये पार्किंग में खड़ी है। पार्किंग इस साइड है। तो यहाँ से हम बस से अपने टेंट हाउस जाएंगे। तो ये है यहाँ की पार्किंग, और ये रही हमारी बस, जो टूरिस्ट लिखा हुआ है ये हमारी बस है। तो इसमें हम जाएंगे अभी। तो अभी मिलती हूँ मैं आपको सीधा टेंट हाउस में। अगर इस सापुतारा जर्नी का व्लॉग जो है ये बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स को साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।